तो दोस्तों, मैं दोबारा वहाँ के आई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अभी बजे केवल 12:30 बजे हैं, तो मैं आपके लिए बना रही हूँ अब दोपहर की वीडियो। तो उसमें देखती हूँ क्या बताऊँगी अब आपको। पहले मैं अपने चेहरे को पोत लूँ फिर आपके पास आती हूँ। तो हेलो दोस्तों, दोपहर की ब्लॉग में आपका स्वागत है छायाज किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर में। तो बस मैं आ गई आपके पास। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपको कि अगर मैं कुछ बैठ के ऐसे आपको सलाह दे दूँ तो वो वीडियो आपको अच्छी लगती है, या मेरा ब्लॉग दिखाना अच्छा लगता है, मेरा काम अच्छा लगता है, या बहू के काम है? क्योंकि शाम को तो बेटा बहू का किचन में तो बहू ही काम करती, नहीं मानती, वो कहती है मैं ही करूंगी। तो किचन में तो वही काम करती है और बेटा भी उसके साथ काम करता है, तो किचन में वो ही दिखेंगे आपको। और मैं आपको ऐसे क्या दिखाऊं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं बस थोड़ा सा बैठ के आपको कोई ना कोई ऐसी कोई नई बात बता दूं रोज बैठ कर। तो क्या ऐसा ब्लॉग आप पसंद करेंगी या फिर काम ही देखेंगी? तो ये मुझे जरूर बताइएगा आप लोग। आपके सुझाव पर ही मैं दोपहर वाली वीडियो में कुछ या तो चेंज करूंगी, और नहीं तो आप अगर चाहती हैं तो मैं ऐसे बैठ के कोई ना कोई आपको सुझाव दे दूं, तो जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ एक राजस्थान पत्रिका आती है, अखबार जो राजस्थान पत्रिका आती है, न्यूज़पेपर आता है, उसमें बुधवार के दिन परिवार एक पेज आता है जो महिलाओं के लिए होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे पढ़ती हूँ। और आज जो मुझे लेख आया है उसमें बहुत पसंद आया। तो उसमें एक लेख आया, 94 वर्ष की एक महिला है जो उन्होंने बेसन की चक्की बनाई और उनकी बेसन की चक्की बहुत प्रसिद्ध हो गई और उनका बिजनेस चल निकला। घर की जो बिल्कुल शुद्ध मिठाई वगैरह होती है उसके बारे में, तो उनका निकल चला बिजनेस। तो उन्होंने यही कहा है कि जब तक खून में रवानी है तब तक चलते जाना है। तो उम्र 94 वर्ष है तो क्या हुआ, खून में तो रवानी है। तो मुझे ये लेख उनका बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से इसमें एक लेख आया है लंबे समय तक बैठने के कारण। जो लॉकडाउन में हम लोग लंबे समय से बैठे हैं, जा भी नहीं पा रहे, तो इनसे होने वाली परेशानियां ये हैं कि हमारा शरीर भी बढ़ गया है, गैस भी बनने लगी है और हम लोगों का मन भी नहीं लगता है। तो हमें बैठे बैठे ऐसी कुछ एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारा शरीर बढ़े भी नहीं और थोड़ा एक्टिव रहे। तो इसके लिए बैठने के लिए एक तो उचित स्थान खोजें, और अगर यदि बैठें तो लंबे पांव करके उनको खींच के बैठें पांवों को। इसमें ये लिखा हुआ है कि क्रॉस करके बैठें पांवों को, लंबा कर लें पांवों को, कुर्सी में बैठ जाएं और लंबा कर लें किसी टेबल या किसी चीज के ऊपर रख के पांवों को और बिल्कुल उनको क्रॉस कर लें। दूसरा दे रखा है कि अपने पैर ऊपर उठाएं और थोड़ा खिंचाव दें, बैठे बैठे आप थोड़ा पांवों को ऐसे ऊपर करके और खींचें पांवों को, तो इसको खिंचाव दें तो भी आपको आराम मिलेगा, आपके शरीर को आराम मिलेगा और बढ़ेगा नहीं शरीर। थोड़ा जो ही के जाओ आता है शरीर में किसी भी अंग में, तो आप समझिए कि फैट आपका लॉस हो रहा है उसमें। दूसरा, खाने पीने का ध्यान रखें, ज्यादा खाएं भी नहीं, क्योंकि हम बनाए जा रही हैं औरतें और खाएं भी जा रहे हैं सब, तो शरीर हो रहा है कमर हो जाएगी, कमरा हो भी रही है मेरे तो। एक फर्श में बैठकर काम करें, कोई भी काम है, सब्जी काटनी है या आटा गूंदना है या कोई भी काम है, सिलाई का है या कोई है, तो फर्श में बैठकर करें। मेरे से हालांकि बैठा तो नहीं जा रहा है, बिल्कुल गोडे खराब हो गए, लेकिन मैंने इसमें पढ़ के ये सोचा कि मैं जरूर बैठकर काम करूंगी अब। तो हमारी सास हैं तो अभी तक हैं, तो वो बैठ के करती हैं काम, जैसे खाना भी खाती हैं बैठ के खाती हैं, सब्जी काटेंगी तो बैठ के, कोई भी काम करेंगी बार बार आएंगी बैठेंगी फिर उठेंगी, ऐसे करती हैं। तो मुझे उनकी ये आदत बहुत पसंद आती है। और एक लगातार बैठे ना रहें, बीच बीच में उठते रहें। तो एक मेरी दीदी हैं, बुआ की लड़की, को बहुत दुबली पतली है, उनकी आदत मैंने देखी कि वो उठती रहती हैं, कभी कोई कप देखा उन्होंने, कभी कोई गिलास इधर उधर देखी तो वो उठा उठा के रखती रहती हैं, छोटे मोटे से काम है वो उठ उठ के करती रहती हैं, तो काफी पतली हैं। तो ऐसे करते रहें, तो उठ उठ के थोड़ा सा काम करते रहें, बैठ ही नहीं जाए एक साथ,
मतलब काफी देर के लिए बैठे नहीं, तो ये लेख मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। इसमें आया ये लेख बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा आपसे मैं शेयर पसंद आया और मैंने इसलिए आपसे शेयर किया। और मैं करना भी चाह रही थी कुछ व्यायाम पे के बारे में, तो बस यही कहना चाह रही थी कि बैठे बैठे भी कोई आप व्यायाम कर लेंगे, ज्यादा उम्र की हैं तो, और कम उम्र की हैं तो फिर तो छोटी मोटी ऐसे काम करती रहें या व्यायाम भी करें, थोड़ा सा यूट्यूब में देखें या टीवी वगैरह में देखें और थोड़ा सा आप लोग व्यायाम करें। तो ये लेख मुझे बहुत पसंद आया, तो आपको कैसा लगा आप बताइएगा जरूर। और देखती हूँ अगर कोई काम आज के मैंने आज के कामों की वीडियो बनाई तो जरूर डालूंगी, नहीं तो मैं आज इतनी ही वीडियो आपके लिए डाल रही हूँ, क्योंकि कल मेरी कोई भी वीडियो दोपहर के वक्त नहीं बनी, तो मैं आज इतनी ही वीडियो आपके लिए डाल रही हूँ। और आगे आप मुझे आज के ही कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आप दोपहर का ब्लॉग देखेंगी या फिर इस तरह की कोई सलाह देखेंगी। तो इजी मेरे लिए यही है कि मैं आपको कोई सलाह दे दूं, तो क्योंकि मुझे सुबह का ब्लॉग भी बनाना पड़ता है, तो दोपहर के ब्लॉग के लिए मेरे पास ऐसा कुछ बचता नहीं, और मुझे थोड़ा सा फिर दोनों में वक्त बहुत लगता है और मैं फिर आप लोगों के कमेंट्स के जवाब भी नहीं दे पाती हूँ। तो आप लोग आज जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जरूर बताइए कि ब्लॉग देखना है या इस तरह की सलाह वाली वीडियो देखनी है।